खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। नियमितीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उनकी मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, साथ ही उन्हें पेंशन देने की भी व्यवस्था सरकार लागू करे। जिले भर से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने महाराणा प्रताप मूर्ति के पीछे धरना दिया, साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे उग्र आंदोलन करने मजबूर हो जाएंगी। समाज सेवी सिद्धार्थ मलैया भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन में पहुंचे और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार से जल्द उन्हें पूरा करने की मांग की। समाज सेवी सिद्धार्थ मलैया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के संरक्षक भी हैं, जिसके चलते वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्थन देने पहुंचे थे। वहीं उनका कहना था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जहां भी उनकी ज़रूरत होगी वे समर्थन देने ज़रूर जाएंगे। आपके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया रहा है, क्या किन मांगों को लिए दिया जा रहा है? हम लोगों की मेन मांग है कि हम लोगों को शासकीय घोषित किया जाए और पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। कहाँ कहाँ की आशाकर्ताएं बैठी हुई हैं? सभी पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल हो रही है। कब तक रहेगी हड़ताल? अनिश्चितकालीन, अब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। आज महिला दिवस है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ बैठे हो, कोई अधिकारी आपको सुनने ले रहा? मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश की बहनों को वह बहने मानते हैं और बच्चियों को भांजी मानते हैं। यदि हम लोगों के भाई हैं तो हम लोगों की मांग पूरी कर दें। आप यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्या क्या वजह है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहने की कुछ मांगे हैं जो पिछले 1.5 साल से जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से वो लगातार कर रही हैं, और उनके 10 मांगे हैं, लेकिन प्रमुख मांग उनकी ये है कि जो केंद्र सरकार ने उनके पैसे बढ़ाए थे और उस समय तत्कालीन जो कांग्रेस का शासन था उतने ही पैसे से उन्होंने अपना अंश कम करके उनके यथावत पैसे रखे। उनकी मांग है कि वो पैसे जो बढ़ाए गए हैं, जो उनका हक है, जो केंद्र सरकार ने उन्हें दिया था तोहफा, वो उन्हें मिले और एरियस के साथ मिले, और उसके अंदर है कि जो रिटायर हो जाते हैं तो उनके साथ कोई पेंशन प्लान नहीं है, कोई ग्रेचुटी नहीं है, तो पेंशन उनको एकमुश्त 1,00,000 रुपये और साथ ही कार्यकर्ता को 75,000 रुपये रिटायरमेंट पर देने की बात थी। इसी तरह की कुछ और मांगे हैं जो काफ़ी समय से लंबित हैं और आश्वासन मिलता है पर वो बात पूरी होती नहीं है, तो इसलिए पूरे प्रदेश भर के अंदर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साथियों का जो दल है पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रहा है। भैया, आप इनका आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समूह के संरक्षक भी हैं, तो आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी इनके लिए? देखिए, पहल मुझे नहीं करना है, पहल जो उनकी कोर कमेटी है जो वो तय करते हैं, मैं उनका साथ दे सकता हूँ, उनकी बात बेहतर तरीके से रखने की कोशिश कर सकता हूँ, वो मैं बिल्कुल करूँगा। मैं उनके साथ हूँ, वो यहाँ बैठेंगी तब साथ हूँ, यहाँ से कहीं और आगे जाके प्रदर्शन करने की बात होगी या धरने की बात होगी उसमें साथ रहूँगा, और अगर मुझे उनकी तरफ से बात करने का मौका मिलेगा तो मैं वो भी करूँगा। ओके, देखो कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की